जीवन के कुछ कड़वे सच, यानी कि इन सच के साथ ही हमें जीना पड़ता है और इन सच के साथ ही हमें अपनी लाइफ आगे बढ़ानी पड़ती है। सो ये कुछ कड़वे सच है, लेकिन किस तरीके से हम इनको डील कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने आप को खुश भी रख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट कुछ पंक्तियों के साथ आपको बताना चाहूंगी कि हर किसी को यहाँ मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता, कभी जमी तो कभी आसमान नहीं मिलता। यानी कि जो जो चीज़ें हमने अपनी लाइफ में एक्सपेक्ट करी होती है वो सारी की सारी चीज़ें हमें नहीं मिलती है, और कई बार वो सारी की सारी चीज़ें तो छोड़िए, कोई एक चीज़ हमें नहीं नसीब होती है। सो यहां पर बात आ रही है कि अगर नहीं नसीब हुई या नहीं मिली बहुत सारी चीजें चाहिए थी, सो क्या जीवन भर अपसेट बने रहे या क्या जीवन भर अपने आप को कोसते रहे, खुद को कोसते रहे या परिस्थितियों को कोसते रहे। हो सकता है कि जो चीजें हमने चाही थी वो हमें नहीं मिली, लेकिन हो सकता है कि भगवान ने हमें कुछ और अच्छा दिया है जो आज की डेट में हम देख नहीं पा रहे हैं। हो सकता है जिस पर्सन की हमने चाह करी हो वो पर्सन हमें नहीं मिला, लेकिन उसके बावजूद हमारे आसपास जो और लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। सो क्या उस पर्सन की चाह में जो बाकी लोग हमारी लाइफ में आए हैं, क्या हमें उनकी कद्र नहीं करनी चाहिए? सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नहीं मिला उसको साइड करिए, बट जो चीज़ आपके पास है या जो लोग आपके पास है प्लीज़ उनकी कद्र करिए और उनको इम्पोर्टेंस दीजिए। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, जो दूसरा कड़वा सच कि हर किसी के दिल में हमें जगह नहीं मिलती है। हम सोचते हैं कि हमें हर कोई प्यार करे, हमें हर कोई सम्मान करे या हर कोई तहे दिल से हमें चाहे, और उसके लिए हम एफर्ट्स भी करते रहते हैं। बट कितने भी एफर्ट्स कर लो, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी ना तो ना ही होती है, चाहे हम सर के बल खड़े हो जाए लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, अपने एफर्ट्स करिए क्योंकि ये आपकी चाह है, लेकिन अगर वो पसंद नहीं कर रहे हैं सो थोड़ा सा अपने कदम सरका लीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग जरूर हैं जो आपको पसंद कर रहे हैं। सो अपना समय और अपना जीवन ऐसे लोगों पर ज़ाया ना करें जो आपको पसंद नहीं कर रहे हैं। वो अगर रूठे हैं या आपको पसंद नहीं करते हैं तो भाई वो अपना रास्ता ना पे, आपको जो लोग पसंद कर रहे हैं आप उनको पसंद करिए और उनके साथ बढ़े। जो तीसरा कड़वा सच होता है कि कई बार कुछ खुशियों को हम अपने जीवन पर तलाशते रहते हैं, वो हमें खुशियां नहीं मिलती। कई बार वो खुशियां हमें मिल भी जाती हैं लेकिन वो खुशियां मिलकर भी नहीं मिलती। ये एक पॉइंट थोड़ा सा अलग सा ट्रिकी सा है। सो यहां पर बात आ रही है कि जिन चीजों को हमने चाहा मिली नहीं मिली, या मिली तो भी हमें भरपूर हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे, या भरपूर हम उसको जी नहीं पा रहे, या भरपूर उसके लिए खुश नहीं हो पा रहे। सो यहाँ पर भी माय डियर फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना कि सच तो सच ही है भाई, कड़वा है लेकिन सच है। सो आपको यहाँ पर ध्यान रखना और अपने को समझा कर चलना है कि कोई बात नहीं, ये चीज़ अगर ऐसी है तो दुनिया में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मुझे किस चीज़ में अपनी खुशियों को तलाशना है, यानी कि किस तरीके से मैं जो ये प्रेजेंट सिनेरियो है उसको या तो खुशनुमा बना सकती हूँ या बना सकता हूं, या किस तरीके से बाहर से खुशियां लाके मैं इसमें डाल सकता हूं। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कड़वा सच आता है कि कई बार हमारी एक उम्र बीत जाती है अपनों को ही ये बताने में कि जैसा आप हमें समझ रहे हैं वैसे हम नहीं है। यानी कि अगर उन्होंने ठान लिया है कि हमें बुरा ही समझना है तो वो बुरा ही समझते रहते हैं। ये हमारे ऐसे अजीज मित्र या हमारे ऐसे दोस्त या हमारे अपने ही फैमिली मेंबर्स, वो हमें पता नहीं क्या का क्या समझते हैं, जिसकी सफाई हम देते रह जाते हैं लेकिन वो सुनते नहीं है। So, ये अपने आप में एक कड़वा सच है। आप अगर अपने आप को एक्सप्लेन कर सकते हैं वेल एंड गुड, लेकिन अगर कहीं आपको बहुत ज्यादा अपने बारे में सफाई देनी पड़ रही है, एक्सप्लेनेशन देने पड़ रहे हैं, सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां मैं आपको कहूंगी कि थम जाइए। जहां पर ज्यादा सफाई एक्सप्लेनेशन देने पड़ते हैं, यानी कि उन रिश्तों में ही कोई प्रॉब्लम है। सो आपको सफाई देने की कोई जरूरत नहीं, जो जैसा समझ रहा है वो समझने दीजिए, वो उसका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, कई बार हम लोग अपनी लाइफ में किसी पर्सन को चाहते हैं जिसका साथ चाहा होता है, जिसको बहुत तहे दिल से चाहा होता है, उसका साथ नहीं मिलता, और उसके वियोग में या जिसे कहना चाहिए उसकी छटपटाहट में हम अपना पूरा का पूरा जो ये अपनी लाइफ होती है उसको व्यर्थ कर देते हैं या जाया कर देते हैं, रोने में, दुखी होने में, अपसेट होने में। ओ भाई कोई बात नहीं, जो मिला बहुत अच्छी बात है, जो आपके साथ नहीं आया कोई बात नहीं, लाइफ आगे बढ़ने का नाम है, ये आपकी लाइफ है और इसको ब्यूटीफुल बनाने का और इसको पूरी तरीके से जीने का राइट आपका है। सो यहाँ पर आपको अफसोस भी नहीं करना और दुखी भी नहीं होना है। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, नेक्स्ट कड़वा सच आता है कि इम्तिहान, हम अपनी लाइफ में इम्तिहान ही देते रहते हैं, यानी कि जो एग्जामिनेशन होते हैं, ये जो परीक्षा होती है ये ख़त्म ही नहीं होती। लोग हमारा हर बात पे इम्तिहान लेते हैं कि भाई आप अपने आप को बताएं, आपने ऐसा नहीं किया। सो यानी कि जिसे कहते हैं ना कि हर चीज़ में एग्जामिन करा जाता है, हर चीज़ में हमें सफाई देनी पड़ती है, कई बार ये बहुत कष्टकारी होती है कि भाई क्यों
ऐसा क्यों, या हर चीज में मैं एग्जामिनेशन या हर चीज में परीक्षा की घड़ी क्यों आ जाती है? बहुत कष्टकारी है और बहुत ज्यादा दुख भी होता है और अफसोस भी होता है। ये दुनिया में नहीं होता, यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ये जो इम्तिहान की घड़ी होती है, ये इम्तिहान हमें सिर्फ अपनों को देना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, दुख बहुत होता है, बट फिर भी मैं कहूँगी कि अपने आप को अपसेट मत करिएगा और हर समय इम्तिहान मत दीजिएगा। जो समझ सके बहुत अच्छी बात है, जो ना समझ सके वो अपना रास्ता ना पे। और उसी के साथ साथ फ्रेंड्स, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कई बार क्या होता है कि हमें दूसरों का सपोर्ट लेना पसंद नहीं होता, सहारा लेना नहीं पसंद होता, हमें नागवार गुजरता है कि भाई हम किसी का सपोर्ट ले रहे हैं या कोई हमारी लाइफ में अंडियो बहुत कुछ कर रहा है, बट फिर भी हमें लेना पड़ता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, वहां पर भी मैं कहूंगी कि कुछ ना कुछ आपकी पर्सनल में कमी रह गई है या कुछ ना कुछ आपकी शख्सियत में कमी है जिसकी वजह से दूसरे आपको कमतर आंक रहे हैं। यानी कि यहां पर भी मैं कहूंगी कि सच तो है, लेकिन इसको पूरी तरीके से अपने जीवन में उतारने से पहले आपको यहां पर एक चीज का ध्यान रखना है, अपने आप को काबिल बनाना है और अपने आप को वैल्यूएबल बनाना है। होप फ्रेंड्स मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इसके सारे पॉइंट्स पसंद आए होंगे। इसको लाइक करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और जिन प्यारे फ्रेंड्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो थैंक्स अ लॉट फॉर गिविंग मी दिस मच टाइम।